गुड इवनिंग सॉरी सॉरी गुड इवनिंग ऑल एंड अगेन वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्स ऑफ लेक्चर्स. टुडे आल्सो प्रोफेसर सुधीर अग्रवाल सर इज गोइंग टू कंटिन्यू विद द सी प्रोग्रामिंग. सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम आई रिक्वेस्ट अग्रवाल सर टू प्लीज कंटिन्यू एंड शेयर हिज स्क्रीन. सर प्लीज. थैंक यू सर. Thank you, sir. So, already, as per your opinion, without wasting our time, now I am going to start or I am going to continue yesterday's lecture. Okay? Sir, hold for a minute. Hold for a second. Yes, sir. Sir, एक मिनट. स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हैं सर अभी थोड़ी देर. एक सेकेंड. यस सर. ठीक है सर, यू कैन कंटिन्यू. यस सर, शेयर कर लीजिए. ओके सर. सो यस्टरडे हमने एडिशन ऑफ टू नंबर का अल्गोरिदम देखा था. ये था हमारा अल्गोरिदम और अल्गोरिदम के साथ हमने फ्लो चार्ट भी देखा था. यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया था. यस, आप कमेंट्स में लिखो. हेलो, आर यू गेटिंग? यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था. यस सर. यस, ओके. नाउ इसके बाद हमको अभी कोडिंग सीखना. देखो, अगर आपको अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट अगर समझ में आता है सो यू कैन अप्लाई. अगर अल्गोरिदम समझ में आए तो कोडिंग पार्ट बहुत इजी है. अब हम देखेंगे हर एक प्रोसेस के लिए कौन कौन सा कोडिंग हमने किया है. नाउ फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट. फर्स्ट अल्गोरिदम की फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट. तो स्टार्ट हम कर रहे हैं. देन सेकंड स्टेप इज इनपुट फर्स्ट नंबर. सो ये भी मैंने आपको कोडिंग दिखाई थी बट आई एम अगेन ऑलरेडी लाइक टू रिपीट दिस कोड. सो फर्स्ट लाइन ऑफ द एनी सी प्रोग्राम इज हैश इंक्लूड stdio.h. नाउ द मीनिंग ऑफ द stdio.h इज std स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड io मींस इनपुट आउटपुट. सो इट इज h इज हेडर फाइल. अब हम ये हैश इंक्लूड stdio.h फाइल इसलिए करते हैं कि हम जो printf scanf फंक्शन यूज करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर. तो printf scanf ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है एंड इट इज व्हाट बिल्ट इन फंक्शन एंड व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर. हमको कंपाइलर ने ये प्रोवाइड की है. जस्ट यू हैव टू इंक्लूड द प्रोटोटाइप ऑफ दिस फंक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h. अगर आप ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल या इंक्लूड नहीं करते हैं तो आपको प्रोग्राम में एरर आ सकती है. सो यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए क्योंकि अल्गोरिदम के हिसाब से हमको तीन वेरिएबल लगने वाले, दैट इज नम वन, नम टू एंड एड. देन सेकंड स्टेप इज व्हाट इनपुट फर्स्ट नंबर एज अ नम वन. सो टू डिस्प्ले द मैसेज इनपुट फर्स्ट नंबर, दिस इज द कोड दैट इज printf in double quote enter the first number and then semicolon. Okay, so ये जब program run होगा तो first line हमको दिखेंगी enter first number and जो number हम enter कर रहे it is stored in variable num1. num1 is variable में हम इसकी value stored कर रहे हैं. Now यहाँ पे scanf के बाद %d लिखा है. आप लोगों ने मुझे पूछना चाहिए. सो % इसीलिए लिखा है कि हमर डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल इज इंटीजर. ये रेड कलर में जो दिख रहा है इट इज इंटीजर डेटा टाइप. ओके, सो ये इंटीजर है इसीलिए उसका फॉर्मेट है % d. अगर यहाँ पे फ्लोट रहता है तो हम यहाँ % f लिखेंगे. सो देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट. इंटीजर मतलब इंटीजर, इट कंटेन ओनली इंटीजर वैल्यू नॉट अ डेसिमल पॉइंट. एंड फ्लोट मीन्स एनी रियल नंबर which having both part, integer part as well as decimal part. Next example. Yes, any question? Third step is what? Printf entered second number. Ye enter second number hua and
that number is scanned under the variable num2. Okay. Then add equal to num1 plus num2. So this is the fourth step of the algorithm, that you make addition of num1 and num2, and the result is stored in the variable add. And the fifth step is what printf. Printf from क्या प्रिंट कर रहे हैं, द एडिशन ऑफ टू गिवन नंबर इज परसेंट डी एंड द वेरिएबल ऐड, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऐड इज प्रिंट हियर. ओके, इन दिस वे आवर प्रोग्राम इज एंडेड. नाउ दिस इज अ सिंपल सी प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स. आर यू गेटिंग और नॉट, कमेंट्स में लिखो आप लोगों को समझ रहा है नहीं समझ रहा है. इट्स अ सिंपल, वेरी सिंपल. नो वन इज देयर, नो वन आंसरिंग. ऋषिकेश को समझा है, यस, विनय को समझा है, ओके, दो लोगों को, प्रथम को भी समझा है, ओके वैभव, थैंक यू. अभी लोगों को समझ में आ रहा है, राइट. सो ये कल ही एक्सप्लेन मैंने किया था. नाउ सेकंड प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूं. सेकंड प्रोग्राम हमारा जो है, लाइक ये देखो, यहाँ पे आप कंपेरिजन कर सकते, दिस इज वॉट अल्गोरिदम, और इस अल्गोरिदम के हिसाब से कोडिंग बन रहा है. ये स्टार्ट हो गया, देन ये इनपुट फर्स्ट नंबर के लिए ये दो लाइन की कोडिंग है, प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ. इनपुट सेकंड नंबर के लिए ये दो लाइन की कोडिंग है, दैट इज एटर सेकंड नंबर एंड स्कैनएफ नम टू. देन कैलकुलेट एड इक्वल टू नम वन प्लस नम टू के लिए हमारे पास कोडिंग है एड इक्वल टू नम वन प्लस नम टू. एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ एड के लिए कोड है प्रिंट द एडिशन ऑफ टू गिवन नंबर इज दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज वॉट. हमको अभी दूसरा एक प्रोग्राम करना है सी में, जिसमें हम फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. अभी हमको एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करना है. ओके, सो सबसे पहले मुझे आप बताएं, अगर किसी भी सर्कल का अगर हमको एरिया निकालना है तो हमको क्या क्या इनपुट्स लगेंगे, फास्ट में क्या क्या इनपुट्स लगेंगे, व्हाट वी रिक्वायर्ड. रेडियस, ऋषिकेश राइट आंसर, रेडियस. उसके बाद रेडियस से हो जाएगा हमारा काम, फार्मूला लगेगा. यस, किस चीज का फार्मूला, सर्कल, सर्कल का तो हमको निकालना है क्या, फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. नाउ टेल मी व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल. ये एक राइट फॉर्मूला है एरिया के लिए. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. टू पाई आर. सो दिस इज ऑल्सो राइट आंसर. सो इसी फार्मूले के हिसाब से हम कोडिंग करेंगे. नाउ मैंने कल आपको बताया ये था कि कोई भी प्रोग्राम हो, ये अल्गोरिदम हो, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट अल्गोरिदम इज व्हाट स्टार्ट. देन वी रिक्वायर्ड रेडियस. अगर आपको एरिया भी कैलकुलेट करना है या सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है तो वी रिक्वायर्ड रेडियस. एंड सेकंड स्टेप इज इनपुट रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज आर. आर इस वेरिएबल के अंदर हम रेडियस स्टोर कर रहे हैं. थर्ड स्टेप हमारी रहेंगी पाई, जैसे कि 2 पाई आर, कैलकुलेट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर. सो यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ पाई. सो इट इज अ यूनिवर्सल व्हाट कांस्टेंट फॉर पाई, दैट इज 3.14 इज द यूनिवर्सल वैल्यू फॉर पाई. ओके, सो वी असाइन द वैल्यू पाई इक्वल टू 3.14. देन calculate area, that is pi r square. So we write here the formula to calculate area of the circle, that is pi into r, that is pi r square. Then similarly, using the formula 2 pi r, circumference equal to 2 pi r, equal to 2 pi r. Now how many variables we required? Is algorithm se humko kya pata lag raha hai? How many variables? One variable. How many variables we required? One variable. No,
R is the variable. Now area is also variable and circum is also variable. R is the variable, we store the value of radius, but we required also area variable, we store the value of area of the circle, and circum is the also variable which is required to store the circumference of the circle. So other than these three variable, we also required one constant, that is pi. So total three variables and one constant required to calculate, to find area and circumference of the circle. Now here we print the value of area and circumference of the circle. Now what will be the flow chart? Simple flow chart is what? It is a diagrammatic representation of the algorithm. So aap log yaha dekh pa rahe ho, this is the start, first step of the algorithm. So we denote this oval symbol. Oval symbol is indicator for start, or we are using this oval symbol for start. Then input radius of the circle R, okay, as R, it is a display, or it shows in parallelogram. This is what parallelogram, which edges are cut, okay. And then assign, for assigning pi equal to 3.14, here rectangle is used, because rectangle is used for assigning the variable. And any formula, to show any formula, to display any formula. So calculate area equal to pi r square, and calculate circum equal to 2 pi r. Now print the value of area and what circum, and then last step is in. Now there are some arrows. Arrow key. This arrow key indicate the flow of chart, flow of program. Now this program flow in downward direction. So start, start ke baad input radius. So in this way, ye downward direction mein kya ho raha hai? Flow ho raha hai. So this indicate what downward direction. Are you getting? Now what will be the code for this program? So code is very simple. आपके सामने यहाँ code दिख रहा है. Now here we include stdio.h file, then void main. Main के अंदर बाद open कर ली, and this is close कर ली. Main के अंदर हमने code लिखा है. Simple, we required three variables and one constant, that is, and data type will be float. क्योंकि pi की value जो है वो 3.14 है. And 3.14 is not integer value, it is a real number. So decimal point is there. So we take data type as a float. Pichle example mein humne int liya tha data type, but in this example we take a float as a data type of that variable. So float r comma area comma circum. So these are the three variables, and we assign the value of pi equal to 3.14, that is, it is a constant. Pi is the constant. Now first step, print enter radius of the circle, and the value which is entered by the user, it is stored under the variable r. Now here we use %f. In last example we use %d because our data type was integer type. Now in this example, after scanf we specify the format %f, because %f for float data type we have to specify the format %f, and that value is stored under the variable r. Now area equal to pi r square and circum equal to 2 pi r. These are the simple formula to calculate area and circumference. And here we print the value of area of the circle also and circumference also. So this slash line, kitne logo ko malum hai why we use this slash n? Yes, anyone knows why we use this slash n? Yes, Vaibhav ne new line kaha hai. Vaibhav, you are absolutely right. So slash n for new line. And why we use this %.2f? Yes, anyone? %.2f. Instead of %f, we are using %.2f. एनीवन, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आप क्वेश्चन पूछते जाओ,
या मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, बट डोंट वेस्ट टाइम. नो सर. ओके, ये परसेंट टू एफ भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी. अब इसके बाद हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं, इट इज ऑनलाइन. मैं आपको एक एक प्रोग्राम ऑनलाइन करके बताने वाला हूं आज, और फास्ट में बताऊंगा, बट आपको सब समझ में आएगा. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अनदर स्क्रीन. सो यहाँ पे मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और दूसरी जो शेयरिंग है वो चालू कर रहा हूँ. सो सर शेयर हो गया स्क्रीन. हेलो ऑनलाइन सी कंपाइलर, आप टाइप कीजिए ऑनलाइन सी कंपाइलर, एंड ऑनलाइन सी एडिटर भी है. सो यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाएगा. अगर आपके पास कुछ एडिटर नहीं है तो डोंट वरी, आज के डेट में ये ऑनलाइन मिल गया. सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस स्क्रीन दिख रहा है, यस और नो? यस सर. ओके थैंक यू. ये देखो, ये है ऑनलाइन जीडीबी. ये इसमें आप सी सी प्लस प्लस, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा सी सी प्लस प्लस बहुत सारे इसमें, आप दोनों में भी इवन जावा के भी प्रोग्राम यहाँ पे रन करके देख सकते हो. नाउ आई सिलेक्ट द लैंग्वेज सी. यहाँ दिख रहा है सबको सी लैंग्वेज? यस, लैंग्वेज इक्वल टू सी. यहाँ पे रन ऑप्शन है, डिबग है, स्टाफ है, शेयर्ड है, सेव है, ओके, डाउनलोड भी है. और ये यहाँ पे मेरा नाम है वेलकम सुधीर अगर मोरे, मैं इसमें ही काम करता हूँ. सो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एडिटर मिल जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू टीच अ वन सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज. सो मैं यहाँ के कमेंट्स डिलीट कर रहा हूँ. सो दिस वन इज द फर्स्ट लाइन, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h देन int main. और इस प्रोग्राम का आउटपुट खाली इतने आने वाला है, हेलो वर्ल्ड. एंड यहाँ पे हमने int main लिया है, इसलिए यहाँ पे आपको रिटर्न जीरो देना पड़ेगा. नाउ रन दिस प्रोग्राम, सिंपली रन दिस प्रोग्राम. तो देखो यहाँ पे आउटपुट आया, दिख रहा है आपको हेलो वर्ल्ड? यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है हेलो वर्ल्ड? यस और नो? यस सर. ओके, अभी यहाँ को हेलो वर्ल्ड की जगह मैं हेलो स्टूडेंट्स अब रन करता हूं, तो या हेलो स्टूडेंट्स देखेगा. ओके, अब मैं आपको सिंपल इसमें प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा. दिस इज व्हाट ऑनलाइन एडिटर एंड ऑनलाइन कंपाइलर आल्सो, आप यहां पे दोनों भी काम कर सकते हैं. नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ व्हाट, आप मुझे बताओ कि आपको क्या प्रोग्राम करना है. सिंपल मैं आपको एक प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ, कैलकुलेट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट. Do you know about the simple interest? Simple interest कैसे calculate करते हैं? Hello. Sir, principal interest. Amount into rate into time. Yes, actually अगर आपको simple interest निकालना है तो आपको सबसे पहले तीन variable लगेंगे जो मैं int दे रहा हूँ. आपको पहले लगेगा p, p means principal amount, n means number of year interest. एंड यस आई मीन्स यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट स्टोर करने वाले हैं. अब हमारा स्टार्ट के बाद पहला स्टेप रहेगा एंटर प्रिंसिपल अमाउंट. तो यहाँ पे मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट. अब इसके बाद हमको स्कैन भी करना है. ओके, स्कैन एफ एंड इंटीजर होने के वजह से यहाँ हमको परसेंट डी लेना पड़ेगा. आफ्टर दैट कॉमा एंड अपर एम्पर साइन जो होता है, और ये प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा पी में. यहाँ तक सबको समझ में आया? नाउ हमको अभी क्या लेना है, वी रिक्वायर्ड एन आल्सो, वी रिक्वायर्ड आर आल्सो. सो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. नाउ आफ्टर प्रिंसिपल अमाउंट आई वॉन्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है
वो पता चाहिए और वो हम स्कैन करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आर से दिखाते हैं, ओके। देन हमको थर्ड वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ इयर्स, एंटर्ड नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स, ओके। नंबर ऑफ इयर्स मतलब कितने साल के लिए आपको आप ये पैसे लेना चाहते हो, दैट इज द नंबर ऑफ इयर्स, एंड इट इज स्टोर्ड इन यन। सो यन इंडिकेट नंबर ऑफ इयर्स, आर मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड पी मीन प्रिंसिपल अमाउंट। अभी व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, एनीवन? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। आप इतना भूल गए खाली, ओके। सो यस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू इन ब्रैकेट पी इंटू यान इंटू आर, एंड टोटल ब्रैकेट इज डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, एंड हियर वी प्रिंट द प्रिंसिपल इंटरेस्ट सिंपल यूजिंग द प्रिंट एफ फंक्शन। यहां पे हम लिखेंगे द सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंट डी, ओके, और यस आई की वैल्यू, यस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब हम इसको रन कर रहे हैं, रन करने के बाद ये प्रोग्राम रन होगा। देखो यहाँ पे आपको पूछ रहा है एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है एंटर प्रिंसिपल अमाउंट? नाउ 10,000 इज अवर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से हमने ये पैसा लिया है, एंड नंबर ऑफ इयर्स इज ऑल्सो 5, ओके। व्हेन आई प्रेस द एंटर बटन इट विल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सो द सिंपल इंटरेस्ट इज 2,500। अगर आप 10,000 पांच साल के लिए 5% से लेते हो तो 10,000 पे आपको पांच साल में 2,500 सिंपल इंटरेस्ट होगा। इज इट क्लियर नाउ? यस और नो? छोटी छोटी कोडिंग इसमें आपको करती जमेंगी अभी? यस सर। नाउ आई विल लाइक टू टेक अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल हम ये लेंगे, स्वैपिंग नंबर्स भी है मेरे पास लेकिन टाइम बहुत कम है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग व्हाट सीक्वेंशियल लॉजिक, इसको सबको कहते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक। सो मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंशियल लॉजिक के बारे में डिस्कस करता हूँ 2 मिनट के लिए। सीक्वेंशियल लॉजिक में क्या होता है, एक वैल्यू हम लेते हैं, 1 या 2 वैल्यू लेते हैं, उसको फार्मूले में डालते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड प्रिंट आउट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसमें कोई भी ब्रांचिंग लूपिंग नहीं होती है, इट्स फ्लो, द फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज सीक्वेंस, इन अ सीक्वेंस टॉप टू बॉटम, ओके। सो इसको कहते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक। बट कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं जहां पे हमको डिसीजन लेना पड़ता है। सो 3 टाइप्स के लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट होते हैं। नंबर 1 सीक्वेंशियल लॉजिक, नंबर 2 ब्रांचिंग और डिसीजन मेकिंग लॉजिक, एंड नंबर 3 लूपिंग, उसको इटरेशन बोलते हैं, लूप्स, ओके। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, दैट इज डिसीजन मेकिंग लॉजिक और ब्रांचिंग लॉजिक। अभी ब्रांचिंग लॉजिक कहाँ पे यूज होता है? सपोज आई वांट टू डिटेक्ट द बिगेस्ट नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। 2 नंबर हमारे पास है और 2 नंबर में से हमको कौन सा बिगेस्ट है वो हमको डिटेक्ट करना है, तो हमको वहां डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मतलब इफ इज द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी। अभी प्रोग्राम में यही रहने दे रहा हूं और उसी में हम चेंज कर रहे हैं। सपोज यू वांट टू डिटेक्ट व्हिच नंबर इज बिगेस्ट बिटवीन गिवन 2 नंबर्स, तो आपको 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, दैट इज NO1, NO2, राइट। फिर आपको एंटर्ड फर्स्ट नंबर और पहला नंबर जो है वो जाएगा NUM1 में या NO1 में, NO1, देन
सेकंड जो रहेगा हमारा एंटर्ड सेकंड नंबर, सेकंड नंबर ओके, एंड ये सेकंड नंबर जाएगा स्कैनएफ के अंदर एंड परसेंट डी हमको देना पड़ेगा, परसेंट डी के बाद परसेंट एनओ टू। यहां तक सबको लॉजिक समझ में आया, हमने दो नंबर लिए है राइट, दो नंबर लिए है। अब यहाँ पे हमको डिसीजन लेना है कि पहला नंबर बड़ा है या दूसरा नंबर। एक्चुअली हमको मालूम नहीं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर कौन सा रहेगा। जब प्रोग्राम रन होगा तो प्रोग्राम हमको पूछेगा, कंप्यूटर हमको पूछेगा कि पहला नंबर दे, तो हम दे देंगे, वो स्टोर करेगा उसको एनओ वन में। एंड फिर और हमको एक क्वेश्चन आएगा कि एंटर सेकंड नंबर, तो हम सेकंड नंबर देंगे। नाउ हियर वी हैव टू डिसाइड, और हमको कोडिंग करना है कि नंबर कौन सा बड़ा है। सो देयर इज अ सीक्वेंस सॉरी ब्रांचिंग लॉजिक स्टेटमेंट दैट इज इफ। इफ में हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, इफ एनओ वन इज ग्रेटर देन एनओ टू, सो दिस इज वॉट इफ कंडीशन। If this condition is true, then this block of statement is executed. Else, this block of statement is executed. अभी मैं आपको सिंपल में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। If this condition is true, तो इस ओपन एंड करली के बीच में जो भी लिखे वाला है कोड वो रन होगा। If it is true and if it is false, then else part execute होगा। अभी हमको और अगर ये फॉल्स है तो ये पार्ट स्किप किया जाएगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ दिस पार्ट, इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस पार्ट इज एग्जीक्यूटेड और एल्स पार्ट स्किप किया जाएगा। ओके अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में हम क्या लिखेंगे, द बिगेस्ट नंबर is, कौन सा रहेगा, यस बताओ मुझे, बिगेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, नंबर वन। यस अगर कंडीशन ट्रू है तो हमको एनओ वन प्रिंट करना पड़ेगा। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन हम एल्स में लेंगे द बिगेस्ट नंबर इज एनओ टू, बस। सो दोनों में से एक ही आंसर आएगा, एक तो बिगेस्ट नंबर इज एनओ वन आएगा, नहीं तो एनओ टू आएगा। सो कंडीशन है हमारी एनओ वन बड़ा है क्या। अभी ये कैसा डिसाइड होगा, जो दो नंबर हम देने वाले हैं उसी के आधार पर हमको रिजल्ट मिलने वाले हैं। नाउ प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, नाउ रन दिस प्रोग्राम। रन करने के बाद यहाँ पे एरर आया है, क्या एरर आया कोई बताएगा, प्रिंट एफ। नाउ प्रिंट एफ का स्पेलिंग गलत हुआ है, लाइन नंबर कितना है 12 पे पी आर आई एन क्या है, पी आर आई एन टी एफ बराबर तो है प्रिंट एफ, यस टोकन्स। यहां पे हमारा एक गलती हुआ है, दैट इज सेमी कोलन। अभी आपको एक मैं सी का रूल बता रहा हूं, ईच स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमी कोलन, ई स्टेटमेंट। अभी आप हर एक स्टेटमेंट को देखिए, This is what one single statement and a statement numbers है। अभी आप देखेंगे hash input को semicolon नहीं है, main को semicolon नहीं लगता है, but int no1 no2 के बाद semicolon है। ये देखो यहाँ पे semicolon है, यहाँ पे semicolon है, देखो हर statement semicolon, लेकिन if के बाद semicolon नहीं होता है। So ये printf के बाद semicolon है और यहाँ पे भी semicolon है, even return 0 के बाद भी semicolon है। So now I correcting माई कोड, ओके सेमीकोलन भूल गए थे हम। सी इज अ केस सेंसिटिव, इसको छोटा थोड़ी बहुत भी गलती नहीं जमती है, सब उसको एग्जैक्टली चाहिए। नाउ इट आस्क्ड नंबर वन, तो नंबर वन है हमारा 6, आप नंबर टू बताओ जल्दी से, 6 मिनट रह गए हमारे, 5 मिनट रह गए हैं, बताओ नंबर टू। 10 सो इट विल डिस्प्ले द बिगेस्ट नंबर इज 10। नाउ आई अगेन run this program, now first number is 10 and second number is 6 and then the result will be same, that is 10 is the biggest।
यहां पे आपको समझ में आया है ये प्रोग्राम, यस और नो? नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द लॉजिक फॉर इवन एंड ऑड नंबर्स. अभी हमको एक प्रोग्राम करना है जिसमें हम गिवन नंबर इवन है या ऑड है हम बताएंगे. सो सबसे पहले मुझे बताइए कि इवन नंबर हम किसे कहते हैं. यस, जल्दी, टाइम कम है. डिविजिबल बाय टू, नंबर व्हिच इज डिविजिबल व्हिच डिविजिबल बाय टू, इट इज कॉल्ड इवन नंबर. दिस इज द रॉन्ग आंसर. द नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू. कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू मींस अगर हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है देन इट इज कॉल्ड इवन नंबर. एक्चुअली एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ओके, सो द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. ओके, सो यहां पे हमको एक ही नंबर लगेगा. यस, एक ही नंबर लगेगा. एंटर्ड एनी नंबर, आई टाइप हियर एंटर्ड एनी नंबर and that number is scanned, okay, under the number n1. Now the logic is changed. If n01, there is a operator, mod operator 2 equal to 0. So यहाँ पे मैंने condition जो दी है वो बहुत ही important है. यहाँ पे मैंने comments दिया है, N01 जो है हमारा नंबर है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मॉड इज द ऑपरेटर. इट इज नॉट अ डिवीजन ऑपरेटर, इट इज अ मॉडुलस ऑपरेटर. मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, इट डिवाइडेड बाय 2 एंड रिटर्न्स रिमाइंडर, नॉट डिवीजन. ओके, और अगर वो 0 आता है तो गिवन इट इज नॉट बिगेस्ट, द गिवन नंबर इज इवन. इफ कंडीशन मैंने ऐसी ही रखी है एंड इट प्रिंट N01, एल्स द गिवन नंबर इज ऑड. तो इवन और ऑड को मैं थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं आपको समझने के लिए. तो लॉजिक सिंपल है, यहां पे भी N01 ही आएगा. ओके, यहां N02 नहीं आएगा, हमको हमारे पास एक ही नंबर है. सो हम क्या कर रहे हैं, मॉडुलस इज द ऑपरेटर and which detect it returns the remainder. So हम उसको run करते हैं. Now it takes any number. मुझे बताइए जल्दी से number बताइए. Any number, please. Fast. 13. ये हमारा given number है. And it will print the given number is odd. Right or wrong. Okay. Similarly, हम उसको फिर से run करते हैं और एक even number बताओ. Like 6, so 6 is an even number. So ये run हो रहा है. So it is very interesting part. हमारे पास time कम होने की वजह से मैं आपका ज़्यादा नहीं ले पा रहा. Sir, may I ask you, हम लोग कल continue करें क्या फिर से इसी को? मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है sir ये करने के, और I guess बच्चों को भी मजा आ रहा होगा. So students, would you like to continue tomorrow also? If you can. Yes sir. हाँ yes. Yes sir. Yes, हाँ, तो सर आप, मुझे लगता है आप कल फिर से कंटिन्यू करें. वी हैव वेरी लेस टाइम टू गो, 1 मिनट है. सो लेट मी थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सर, यू आर टेकिंग वंडरफुल लेक्चर. बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर. सो आई रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज बी अटेंटिव एंड बी रेगुलर इन दिस क्लासेस एंड यू विल बी हैविंग से वेट फॉर अ सेकंड. या so I guess you will be enjoying these classes by Sudhir Agarmune sir. So thank you very much and thank we'll you, be sir. Continuing tomorrow also. Thank you sir, have a nice okay, day. Okay sir, late lenge kal sir, 8 baje lenge. Chalega sir, 8 baje lenge kal, koi issue nahi. Thank you sir, chalo bye. Thank you. Ha, good day, bye.